अगर आप गार्डनिंग कर रहे होंगे या इसके शौकिंग होने होंगे तो आपको डेंथस जरूर देखा होगा और देंथस का फूल इतना सुंदर होता है जो आप जान के चौक जाइएगा ये मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगता है फूल और इसमें बहुत सारा कलर में वेरिएंट आ जाता है कितना कलर में आता है सारे चीज़ के बारे में इसका खाद कैसा बनाए जिससे ज़्यादा से ज्यादा प्लांट लगे इसका कटिंग से लगता है कि नहीं ये भी मैं बताऊंगा इसलिए अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूँ ऐसे तो दिन का अभी फुल ब्लूमिंग में नहीं आया है फुल ब्लूमिंग में आएगा तो हम और भी वीडियो लाएंगे और एक वीडियो और ले आएंगे फुल ब्लूमिंग का ऐसे देखिए ये है ये सब में पूरा में फूल आ जाएगा फूल भर जाएंगे और फूल से फिर बीज तैयार होगा तो वो एक वीडियो हो जाएगा और यही है दिनथस का बीज ये छोटा छोटा होता है इसका आधा बीज मैं गिराऊंगा और आधा को तो, तो छोड़ दिया था इसलिए जो अब गिराएंगे गर्मी में कुछ आदमी कहते हैं गर्मी में कटिंग से लगता है तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो हम गर्मी में इसे कटिंग से लगाएंगे और कुछ बीज से भी लगाएंगे देख रहे हैं जो ये चलता है कि नहीं सर्वाइव लेकिन सालों भर तीसरे इससे दो साल पहले सालों भर मेरा सरवाइव कर गया था और सरवाइव कराना बहुत आसान होता है इसमें अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में वर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर बहुत अच्छा होना चाहिए मिक्स ट्रेक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही फायदेमंद रहेगा और इसका बीज का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए आप बीज का क्वालिटी की बात करें तो कोई भी नर्सरी से आप बीज ले तो वो बहुत सुंदर बीज ले और जितना सुंदर हो सके मतलब नर्सरी से तो प्लांट ही लीजिए अगर बीज ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए तो साठ सत्तर रुपये में हाइब्रिड बीज कोई भी कंपनी का देखिए एफ वन वेराइटी हो तो लीजिए या हाइब्रिड होना चाहिए और वो बहुत सुंदर टेक्स्चर में आता है ऐसे तो टेक्स्चर की बात करें तो बीस पच्चीस टेक्स्चर में आता है और इसे बीज गिरा दीजिए उसके बाद बीस दिन बाद आप उसे मिट्टी बनाएं बर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी का हिस्सा रहना चाहिए और उसमें आपको चाय पत्ती की खाद और ये वाला खाद जो होता है जो मिक्स वाला फर्टिलाइज़र होता है एक मुट्ठी या दो मुट्ठी डाल दीजिए मैं छः सात गमला के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए तीन मुट्ठी डाल रहा हूँ और बर्मिंग कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इसमें सिर्फ यूरिया छोड़ के सारा खाद होना चाहिए जिससे इसे तुरंत भूस मिले और तुरंत फर्टिलाइज़र मिले और इसे आप गमला में भर के चाहते हैं तो कटिंग से लगाइए कटिंग से एक प्लांट नहीं तीन चार प्लांट एक में लगा दीजिए अगर इसे बीज को अगर सितंबर अक्टूबर में गिराएंगे तो आपको आराम से कटिंग से चल जाएगा और इतना छोटा गमला में एक प्लांट लगाइए और उसके कटिंग कीजिए ऊपर से डेड हेडिंग जब आठ दस पत्ता का हो जाएगा फिर डेड हेडिंग कीजिए उसके बगल में लगा दीजिए फिर डेड हेडिंग कीजिए बगल में लगा दीजिए ऐसे ही करके मतलब पूरा भर लीजिए और भर के ऊपर से पिंच कर दीजिए दिसंबर जाते जाते ये फूल देना इतना सुंदर करेगा जो आपको लगेगा जो पूना वेराइटी है ऐसे तो मेरा इससे कटिंग से खूब लगाएंगे और देखिए ये कलर इसका दो कलर यहाँ है और एक कलर और खिलने वाला है लेकिन इसमें पूरा मिला के बीस पच्चीस प्लांट है जो कि ये बहुत सारे कलर में आते हैं इसमें आजकल बड़ा बड़ा गुलाब के तरह देखने में भी लगता है और वो भी बहुत सुंदर होता है और इसी में आ रहा है हाइब्रिड वाला में और ये मतलब एक तरह से देसी समझिए उसका और अब तो हाइब्रिड इसका आने लगा है पाँच सात पेटल आता है वो और भी सुंदर लगता है ये मतलब दिनथस आपको बहुत सुंदर लगेगा आप इसे लगाइए और इसे मतलब आपको पूरा दिन के धूप की आवश्यकता होती है इसका कटिंग ऊपर से लीजिए और कटिंग लगा दीजिए आराम से वो चलने लगेगा और सर्वाइव करने लगेगा इसमें बर्मिंग कंपोस्ट का भी दे देते हैं कभी इसमें हम सरसों के खली का पानी दे देते हैं कभी इसमें नीम के खली का पानी दे देते हैं कभी इसमें आ, मतलब चावल धो के उसका पानी देते हैं सब्जी धोके उसका पानी देते हैं मतलब बराबर इस पर हर मतलब चीज़ डालते रहते हैं जो इसका मतलब प्लांट अच्छा ग्रो करे और अच्छा टेक्सचर ले और देखिए ये कितना अच्छा पूसी बन रहा है और इसका कटिंग तो ऊपर से नहीं किए हैं तब पर भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये और भी फूल देगा एक प्लांट में आपको दस बारह फूल देता है ऐसे ही करके बार बार प्लांट आपको की जरूरत नहीं होगी कटिंग से लगा लीजिए और एक बार लगा लीजिएगा तो बीज उसका कलेक्ट कर लीजिएगा तो सालों साल चलता है और बीज तैयार आपका फूल के बीस पच्चीस दिन बाद बीज बन जाता है बीज कुछ छोड़ दो